नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के बाबा बकाला में तस्करों और एसटीएफ के बीच हुई फायरिंग, गोली लगने से तस्कर हुआ घायल। बरनाला में आजाद स्पोर्ट्स क्लब ने एनआरआई भाइयों के सहयोग से 500 क्विंटल चारे की 14 ट्रालियां बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेज। अमृतसर के बाबा बकाला में तस्करों और एसटीएफ के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक तस्कर को गोली लगी है और उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस दौरान पकड़े गए तस्कर प्रताप सिंह का कहना है कि उसके पास 3 पुलिस कर्मचारी सिविल ड्रेस में हेरोइन लेने के लिए आए और जब वह भागने लगा तो एसटीएफ की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। हालांकि उसके पास भी उसके नाना की पिस्तौल थी, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। उसने कहा कि वह फ़ोन पर ही नशा मंगवाते हैं और वह लेकर आता है, सारा नशे का काम फ़ोन पर ही होता है। एसटीएफ ने उसे पकड़ने की कोशिश की और एक गोली उसे लगी है। तो वही दूसरी तरफ एसटीएफ के अधिकारी राजविंदर सिंह का कहना है कि प्रताप सिंह जग्गू भगवानपुरिया का साथी है। गुप्त सूचना के आधार पर ये रेड की गई थी। इस दौरान तस्कर प्रताप सिंह की तरफ से फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी फायरिंग की। उन्होंने बताया कि मौके पर से प्रताप के कब्जे में से 350 ग्राम हेरोइन और एक पिस्तौल बरामद हुई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਐਫ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਭੈੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੁਕਵਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਨਿਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆਉਣੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਰੌਂਦ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 6 ਜਿੰਦਾ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। पंजाब में कई जिले बाढ़ के प्रभाव में हैं। सरकार जहां बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी अपने स्तर पर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के तहत बाढ़ पीड़ितों के लिए बरनाला जिले के चीमा गांव से भूसे से भरी 14 ट्रालियां भेजी गईं। गांव के आज़ाद स्पोर्ट्स क्लब ने एनआरआई भाइयों और गाँव वासियों के सहयोग से 500 क्विंटल भूसे की ट्रालियाँ भरकर सुल्तानपुर लोधी इलाके में भेजी। इस संबंधी जानकारी देते हुए क्लब के नेता जीवन सिंह धालीवाल और नवजीत सिंह ने कहा कि उनके आज़ाद स्पोर्ट्स क्लब ने सबसे पहले धान की पनीरी लगाकर बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त सेवा प्रदान की। अब सुल्तानपुर लोधी इलाके में बाढ़ पीड़ितों से संपर्क हुआ, जिन्होंने जानवरों के लिए भूसे की मांग की, जिसके तहत उन्होंने गाँव से भूसा इकट्ठा किया है और 14 बड़ी ट्रालियों में 500 क्विंटल भूसा भरकर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। गुरु प्यारी साध संगत, डिस्ट्रिक्ट बरनाला दे पिंड चीमा जोधपुर वालों हड़ पीड़ितों लई, क्योंकि जिथे जिथे कोई संकट आउंदा पंजाब हमेशा खड़ता है, तो पिंड चीमे की संगत ने और चीमिया के जिन्हें NRI वीर ने उन्होंने सहयोग के नाल सुल्तानपुर वल जो हड़ां की मार हुई है, जो जिन्हें लोग हड़ां की मार दे विच उत्थे अपने आप नूं बड़ा दुखी ते कष्ट विच महसूस कर रहे ने, जिन्हां दे घर डिग पए ने, जिन्हां दे खेती बाड़ी खराब हो गई है, तो उन्हां दे लई पिंड चीमिया की संगत ने रल मिल के बहुत सोहना उद्यम किया और उस उद्यम दे नाल थोड़े थोड़े सहयोग दे नाल पहलां भी सहायता भेजी है तूड़ी की अचार की। इस बार भी अनेक ही ट्रालियाँ पिंड चीमे की संगत वालों तूड़ी दियां ते नाल अचार की सेवा जो है सुल्तानपुर की संगत वल और उत्थों के लोगों लिए भेजी जा रही है। सतगुर सचे पातशाह मेहर करन जी, एजाज स्पोर्ट्स क्लब चीमा जी नगर निवासियों के सहयोग ने तूड़ी इकट्ठी करी है, चार इकट्ठा कर सुल्तानपुर लोधी तो बहूपुर मंड में जाऊगा जी। 14-15 ट्रालियां ने जी। हाँ, पहला साडा संपर्क होया वा उन्होंने बंदा वो उड़ीक रहे ने, तूड़ी की सेवा मंगी सी, अभी तूड़ी की सेवा ही लेके जा। हड़ भीड़ तो बहुत ज्यादा है जी, ब्यास का अंदरला पासा टुट गया ना, बहुपुर मंडा जो तो सारा अंदर आ दरिया के,
ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। जालंधर के पीएपी कॉम्प्लेक्स की जियो मेस में एडीजीपी एमएस फारूकी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि लोगों की शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए पुलिस विभाग उचित पहल कर रहे हैं। लोगों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों और मुलाजिमों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। इस संबंधी एमएस फारूकी ने और अधिक जानकारी देते हुए कहा कि डिजिटल कंप्लेंट के जरिए पता चल पाएगा कि लोगों की शिकायत का हल हो पा रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी या मुलाजिम द्वारा लोगों की शिकायत की उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फारूकी ने बताया कि 2022 से 2023 तक 2,20,000 शिकायतों में से 1,51,000 शिकायतों का निपटारा किया गया है और 78,000 शिकायत शिकायतकर्ताओं द्वारा वापस भी ली गई है। आगे उन्होंने बताया कि नए सर्वर को खरीदा जाएगा जिससे और भी बेहतर पुलिस विभाग कार्य कर सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज अपा एक साल हो गया सानू जड़ी पब्लिक ग्रवांसेस डिवीजन का पोर्टल लॉन्च किया सीगा मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान जी ने। तो उदो बाद पिछले एक साल चो लगातार साढ़े वालों एफर्ट किए गए अपने सिस्टम नू बेहतर बनाने लई लोगों की जड़ी हैगी उन्हां दी जागरूकता पैदा करने लई उन्हां विच। तो इस सा टोटल एक साल च सानू 2,20,000 कंप्लेंटा सानू मौसूल हुई हैं जिदे विच तकरीबन 75,000 से 80,000 कंप्लेंटा जिहड़ियां सीगियां वो सिटीजनस ने डायरैक्टली इहदे च अपलोड कीतियां। ये भी साढ़े लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हैगा कि आपां लोकां नू दसन च कामयाब हो सके कि जे अगर वो अपनी कंप्लेंट सीधे अपलोड कर देंगे तो उदे विच इमीजिएटली पुलिस एक्शन जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ जूगा। इहदे अलावा बहुत सारे लोग सानू ये भी कहिंदे ने कि जदों उन्होंने ये अपलोड करता उहदे विच सानू दो तीन तरह की खजल खुआरी तो बचाव हो गया कि भाई थाने नहीं जाना पिया नाले जिहड़ा हैगा उन्हां दे मसले जिहड़े हल हो गए। जिद्दा एक आम लोगों की कंप्लेंट सी कि जो थाने गए होण तो उन्हां दी कंप्लेंट नहीं ली जा रही है कोई एविडेंस नहीं ले जा रहे ने। उहदे विच भी ये आपां सिटीजन एम्पावरमेंट किया होया कि जेकर उह थाने जाण तो बजाय अपने घरों बैठ करके भी कंप्लेंट नू लॉज कर देंगे और सारी एविडेंसेस उहदे विच लॉज कर देंगे तो वो पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा हो जूगा तो उहदे ते एक्शन शुरू हो जाना। इस करके एक बेसिक जिहड़ा पब्लिक पोर्टल है बनाउण दा मकसद सीगा कि लोगों नू एम्पावर करिए एक अकाउंटेबल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करिए। उहदे विच साढ़े वल्लों जिहड़े प्रोएक्टिव वर्क किए गए सीगे उहदे विच सानू कामयाबी काफ़ी मिली है। इनू होर भी डेवलप करन दी लोड़ हैगी। साढ़े वल्लों उपराले किए जा रहे हैं कि इस विंग का साइज बढ़ाया जाए ज़्यादा बेहतर तरीके नाल लोका नाल जुड़िया जाए उन्हां तों फीडबैक लिया जाए खुद साढ़े वल्लों फोन करके जिहड़े कंप्लेनेंट होण उन्हां नूं सुनिया जाए कि उन्हां दी हकरसी हो गई कि नहीं हो गई। ये मैं समझदा कि एक सफ़र सीगा साडा जिहदे विच आपां काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैगे ते आउण वाले समां च आपां इहदे विच कुछ होर भी इंप्रूवमेंट करांगे ताकि लोकां दी हकरसी चंगे तरीके नाल हो सके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नां तों जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करन वाला। पंजाब दे मुसलमानां दे मुख धार्मिक केंद्र जामा मस्जिद लुधियाणा वल्लों आज समूह पंजाब दे मुसलमानां वल्लों असी वक्फ बोर्ड दे जिहड़े एडमिनिस्ट्रेटर ने IPS MF फारूकी साहब दा सन्मान कीता। गल है कि पिछले 5-7 महीनों तो लगातार पंजाब दे मुसलमानां ने साडे नाल अप्रोच की कि मौजूदा जिहड़ा पंजाब वक्फ बोर्ड सरदार भगवंत सिंह मान ने इन्हां नूं जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेटर लाया उहदे नाल पंजाब दे अलग अलग ज़िलों के और खासकर पेंडू खेत्र के मुसलमान जिहड़े है वो पहली बार 75 सालों से उन्होंने लग्या कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी जिहड़ी है साडी गल सुन रहे तो कुछ ना कुछ कर रहे तो बड़ी हद तक फायदा जिहड़ा वो नज़र आने लगा। तो इसीलिए इस गल नूं एप्रीशिएट करन लई कि काम जिहड़ा अच्छी तरह चलता रहे अज असीं जलंधर दौरे दे सीगे ते फैयाज फारूकी साहब नूं मुसलमानां वल्लों जिहड़ा वो सन्मान दिता गया। इहदे नाल असीं कुछ मंगां जिहड़ियां उन्हां दे सामने रखियां कि पंजाब दे विच जिहड़ी वक्फ बोर्ड है वो जिथे हुण मस्जिदां नूं मदरसियां नूं या कब्रिस्तानां लई काम कर रहा उत्थे सिक्ख्या प्रणाली नूं होर मजबूत करन दे लई
जिहड़े प्लस टू तक दे इस्लामिया हाई स्कूल ने वह सारे ज़िले हुण सानूं चाहिए ने, लुधियाणा, मलेरकोटला, पटियाला वगैरह तो ऑलरेडी पहले तो चल रहे, लेकिन बाकी ज़िलों च इस्लामिया हाई स्कूल है नहीं। तो इसलिए असं यह चाहते हैं कि जोड़े मुसलमानों के बच्चे ने और यार खास करके जोड़े गरीब मुसलमान ने, क्योंकि पंजाब मुसलमानों की गिनती सिर्फ 2% है, तो साढ़े ही ये मुतालबा है पंजाब सरकार तो कि पंजाब वक्फ बोर्ड के जरिए सारे ज़िलों के जोड़े प्लस टू तक के स्कूल जोड़े वो खोले जाए। जिते तक मैं जानता हली तक भी कई बच्चे पढ़ने वास्ते मस्जिदों के जाते हैं। मस्जिदा जो देखो जाना ही है, मस्जिदा की जी सिक्ख्या है ये हज़रत मुहम्मद साहब के टाइम तो शुरू है, पूरी दुनिया की हरेक जी भी मस्जिद होंगी है उत्थे रोज़ 2 घंटे लिए धार्मिक सिक्ख्या बच्चों, जोड़े बच्चे साढ़े स्कूल भी जाते हैं उन्होंने भी कंपलसरी है कि 2 घंटे जा। और मैं बेनती सारे धर्मों के लोगों को करना चाहना कि याद रखो जी आधुनिक सिक्ख्या है वो तुहाडे बच्चों प्रोफेशनल तो बना रही है लेकिन कितने ना कितने समाजिक नहीं बना रही। इसलिए तुसी जिस भी धर्म के नाल संबंध रखते हो अपने बच्चे रोज़ाना अपने धर्म स्थान वाल जरूर भेजो ताकि ओदे विच समाजिक जिहड़ा ताना बना उनू बना के रखन दी कैपेसिटी जिहड़ी हो। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के पूर्व मुख्य ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह की गत दिवस हुई मौत के बाद उनका निजी गनमैन जो कि पंजाब पुलिस में ASI सुखदेव सिंह है वह भी लापता हो गया है। रिश्तेदारों के अनुसार सुखदेव सिंह डिप्रेशन से पीड़ित है, इसके अलावा उसे शुगर और BP की बीमारी भी है। जैसे ही उसे पता चला कि ज्ञानी जगतार सिंह इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उसके बाद वे सुबह अपने घर से गुरुद्वारा साहिब माथा टेकने के लिए गए और उसके बाद काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद भी वे घर नहीं लौटे, जिसके बाद पारिवारिक सदस्यों ने चिंता में आकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच की, जिसमें पता चला कि वे बस स्टैंड पर गए और शायद बस स्टैंड से चंडीगढ़ की किसी बस में सवार हो गए और अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए पारिवारिक सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से उनकी तलाश करने की अपील की है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर ये ऐसे सुखदेव सिंह है जी, इन्हों के चाचा जी ने इतलाह दी सी ये जो लड़का ना सवेरे पहलों तो सैर करके आया, उस तो बाद 6:30 अपने घर दिन वे कह के गया कि मैं मत्था टेक लवा कौलसर पर, उस बाद घर नहीं आया, अपना एक 2,500 रुपया ATM लैके तो चला गया। इतों CCTV चैक किए पहलों ये अपने एक्टवे से किसी ना बैठ के राम तीर्थ रोड से गया, उतों मुड़ के आटो से बह के बस स्टैंड से चल गया। बस स्टैंड तो जाके पता किया गया तो केंद्र भी इतों ये चंडीगढ़ ली बसें बैठ गए, तो यदि गुमशूर की रिपोर्ट लिखी है तो बाकी सारे CCTV फोटोज तो होर जो जिते जितों भी पता है कर रहे हैं कि कल भाई जगतार सिंह जिन्ह की अचनचेत डैथ हो गई सी उत्थे भी जाके पता किया गया सी, तो उन्होंने संस्कार जिते हो रहा उत्थे भी जाके सारे गनमैनों तो होर संगराना साहब मैं आप खुद पता करके आया और अभी तक ये गल पता नहीं बोल चल। छोटा ब्रदर ही मैं आर्मी चो रिटायरमेंट हाँ, तो बहुत वधिया ड्यूटी करते सानू अज तक तो कोई इन्हों का कोई सानू दुख नहीं, हर पासे वधिया ड्यूटी सवेरे जाते ही आपके ड्यूटी के उत्ते ज्ञानी जगतार सिंह तकरीबन 5 साल तो बताओ ड्यूटी निभा रहे उन्होंने, अज तक सानू कोई और कोई शिकायत नहीं आई। मैं कल पुलिस लाइन च गया है पुलिस वाले हर पासे रिपोर्ट अं तकरीबन परसों ही जिस दिन गया उस 12:30 मैं रिपोर्ट करती उसकी, तो सानू तो थोड़ा जहाँ पुलिस महकमे अज तक कोई ज़्यादा नहीं सू मिल रहा, रिस्पोंस नहीं मिल रहा कि हिसाब किताब दसन सू सारा कुछ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्णता दिवस पूरे विश्व में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इसी के तहत सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संपूर्णता दिवस मनाने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहिब पर देश और विदेशों से बड़ी संख्या में संगतें सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंच रही हैं। इस मौके पर अकाल तख्त साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह ने भी सभी सिख जगत को इस पवित्र दिवस की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिख पंथ में ये एक अलग पहचान रखता है। उन्होंने संगतों को बाणी के साथ जुड़ने और सिमरन करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पूरी मानवता के लिए हैं, जो भी इसे पढ़ेगा वह निहाल हो जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे, धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज
जिन्ह ने तख्त श्री दमदमा साहिब साबो की तलवंडी विखे भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने लखारी ला के सूरबीर बहादुर योधे बाबा दीप सिंह जी ने महान सेवा बख्शिश करके सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज की संपूर्णता करवाई। सो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का गुरबाणी लिखित संपूर्णता दिवस जिहड़ा सी जो पावन सरूप तैयार किया गया वो पावन दिहाड़े दियां आप समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं मानयोग जहेदार श्री अकाल तख्त साहब ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕਮਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਸੇ ਰਾਜ ਯੋਗਿਨੀ ਸੰਧੀਰਾ ਦੀਦੀ ਔਰ राज योगिनी विजय दीदी ने दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज उषा विज पूर्व CPS KD भंडारी पूर्व मंत्री पंजाब मनोरंजन कालिया पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव अरोड़ा रेजिडेंट डायरेक्टर अमित सिंह एवं मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर पुनीत खुराना को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बांधी। इस अवसर पर संधीरा दीदी ने नशा मुक्ति में राजयोग मेडिटेशन के महत्व को बताया। डायरेक्टर ने ब्रह्म कुमारी संस्थान को ब्लड डोनेशन कैंप आँखों और चमड़ी के रोगों के कैंप का आयोजन करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर पुनीत खुराना डॉक्टर RL वसन डॉक्टर महेश डोगरा सुभाष भाई व सुरेंद्र पाल भाई मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। अमृतसर में एक वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चों के मनोरंजन और खेल के लिए टाडल टाउन खुल गया है। इस मौके पर टाडल टाउन की मालकिन शिवांगी ने बताया कि टाडल टाउन में एक वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए 16 से 17 गेम्स हैं जिन्हें खेलकर बच्चे अपना मनोरंजन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह बच्चे आजकल मोबाइल और गैजेट्स में पूरा दिन लगे रहते हैं तो वहीं यहाँ 1 से 2 घंटे खेलने से उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। यहाँ पर बच्चों को खेल के साथ टेबल मैनर्स और अन्य प्रकार के मैनर्स भी सिखाए जाते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कैसा लगा आपको? मेरा नाम अदिति है एंड ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी कलरफुल है, क्लीन है सारा कुछ एंड ऐसे बच्चों को यूजुअली पार्क वगैरह में जाने को नहीं मिल पाता है, ऐसे कुछ मच्छर वगैरह का भी इशू रहता है। सो इट्स अ वेरी नाइस एंड क्लीन प्लेस एंड माई चाइल्ड एंजॉयड इट अ लॉट, विल बी कमिंग हियर अगेन फॉर श्योर। इतने आने के बड़ा वधिया लगता है, कारण ये है कि बच्चे एकदम बड़ा वधिया खेल लेंगे ने, फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने बहुत वधिया हो जाती है। नैक्सट गल करिए, स्टाफ बड़ा अच्छा है, बड़े मतलब वधिया नेचर के बंदे ने। मेन चीज होस्पिटैलिटी, बहुत वधिया होस्पिटैलिटी है। तुहानू इज्जत जिथे मिलती है तुसीं नैचुरली उत्थे जाना पसंद करोगे। तो मैं सारे नूं इह रिकमेंड करांगा कि इत्थे इक वारी विजिट जरूर करो। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी रेलवे फाटक अड्डा होशियारपुर की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ज़रूरतमंद गरीब लड़कियों के 13वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 9 सितंबर दिन शनिवार को प्रातः 11 बजे किया जा रहा है। इसी संबंध में शहर के गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र प्रदान करने के लिए डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाया गया, जिस संबंध में सोसाइटी द्वारा पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व CPS KD भंडारी, राज्य सचिव पंजाब अध्यक्ष कंटेनर एंड वेयर हाउस राजविंदर कौर, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन अमृतपाल सिंह, महंत स्वरूप बिहारी, मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज, चड्डा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा, हिंदू नेता नीलकंठ जट से मुलाकात कर उन्हें इस विवाह समागम में विशेष रूप से उपस्थित होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर सोसाइटी के प्रधान रजिंदर पाल वर्मा, महासचिव मक्खन सिंह, कैशियर सतीश मल्होत्रा ने बताया कि आने वाली 9 सितंबर दिन शनिवार प्रातः 11 बजे 11 जोड़ों की शादियां करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहले भी सोसाइटी 112 से ज़्यादा लड़कियों की शादी करवा चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी नवविवाहित जोड़ों को घरेलू ज़रूरत संबंधी सारा सामान
दिया जाएगा और विवाह की सारी रस्में विधिवत ढंग से अदा की जाएंगी। इसके अलावा बारातियों के लिए लाजवाब व्यंजनों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शादी समारोह से पहले 6 सितंबर को मेहंदी की रस्म, 7 सितंबर को जागो निकाली जाएगी, 8 सितंबर को गुग्गा पीर का मेला और 9 सितंबर को शादी समारोह होगा। इस मौके पर उप प्रधान सुनील मदान, उप चेयरमैन जीवन कुमार हैप्पी, सुरेंद्र कपूर, वरिंदर कपूर, नितिन भंडारी, मुकुल मध्यानी, प्राण मल्होत्रा, नवीन सेठ, दिलीप कुमार, संजीव खुशबू, चंद्र मोहन, सोनू, हरमेल सिंह, राजन कुमार, कुणाल, वरिंदरजीत सिंह भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने सामूहिक ब्याह कराने हैं, जिद काफ़ी जोड़िया के लोग गरीब परिवार के बच्चिया के ब्याह कराते हैं और मैं महसूस करना वा कि यह टीम बहुत ही नेक, ईमानदार और शरीफ लोगों की टीम है, जिन्हों के मन के समाज के प्रति जो भावना है कि गरीब बच्चिया के असी ब्याह कराइए, वो बहुत वधिया दहेज भी नाल देंगे और मैं लगभग हर बार जाने का मौका मिले वा और मैं जिन्ना देखिया इस टीम में, टीम बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रही है। मैं ईश्वर अगर अरदास करूँगा कि इदा ही साढ़े परिवार का, साढ़े बच्चिया का पालन पोषण करन और चंगी उन्होंने संस्कार बच्चिया अपने घर जाकर लैन और इस टीम में एक बार फिर बधाई दिना मैं और महाराज अरदास करूँगा कि टीम इदा ही धर्म और समाज की सेवा करे। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी वालों समूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है और जरूरतमंद कन्या का शादी की जाती है। सो ये बहुत वड्डी समाज सेवा है, जिंदगी के नर सेवा, नारायण सेवा। सो ये सेवा करने के नाल ईश्वर की सेवा है। जिस ढंग नाल ये कार्य कर रहे हैं, मंगल कामना शुभकामना देने के भावना बनी रहे, बढ़ती रहे। 9 सितंबर को जोड़ा है मंगल कामना। जय माता दी, जय मां बगलामुखी। अज मेरे वीर गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी के सज्जना ने आके मैनु मान बख्शिया। पहले उत्थे 12 वरी है बच्चों के विआह, 12 साल हो गए उन्होंने करवाते हैं। बहुत ही वधिया ढंग दे नाल जेडे जरूरतमंद बच्चिया ने उन्होंने विआह करते हैं, लगातार 12 साल तो करते पे। 13वां साल ऐतकी मैनू भी माण बख्शिया उन्होंने उत्थे पहुँचन का, मैं जरूर पहुँचागा। मेहंदी की रस्म 6 तरीक नूं है, उस दिन तो लगातार ही प्रोग्राम चले ने। सारे ही वीर सज्जन जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनते हैं पहुँचन जरूर, तो अपने वालों असी सारे रल मिल के उन्हां बच्चियां वास्ते जरूरतमंद वास्ते सहयोग दईए। भी आपां दान दे विच ही कल्याण है, सारे वध तों वध दान दे के इन्हां भरावां दा मान वधाईए ते असी सारे उत्थे जरूर पहुँचीए। बहुत ही भागां वाले ने जिहड़े एडे वधिया काम करदे ने। मैं श्री कृष्ण शर्मा अपने परिवार वालों ते मां बगलामुखी धाम वालों, आल इंडिया ब्राह्मण फ्रंट वालों, मैं अपने सारे साथियों नाल पहुँच के वध तों वध जो प्रभु कृपा होगी मैं वध तों वध सहयोग देंगा। मां इन्हां नूं चढ़दी कला च रखे। मैं अपने वालों फिर एक बारी कहना, जिथों तक हो सके सारे पहुँचियो, सहयोग दईओ। जय माता दी, जय मां बगलामुखी। बच्चियों नूं आशीर्वाद दे के ते प्रभु दा आशीर्वाद लियो। जय माता। अज बड़ी खुशी हुई है कि गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी वालों 13वां जिहड़ा बच्चों की शादियों का समारोह कर रहे हैं, उहदे विच शामिल होने लई निमंत्रण पत्र दिता। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इत्थे शामिल होवां, बाबा गुग्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त करां। मैं इन्हां दे इस कार्य वास्ते भगवान अगे अरदास करदा कि भगवान अंग संग रह के इन्हों का जो कार्य है उन्होंने सफल कर, और लोगों को भी अपील करदा कि जिवें पहला इन्होंने लोग सहायता दिंदे रहे ने, हुण भी इन्होंने पूरे सहयोगी बन के इन्हां दी तन मन धन नाल सहायता कर। नमस्कार जी, मैं राजीव दुग्गल प्रधान मॉडल टाउन तो। अज बड़ा चंगा लगा जो कि गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी अड्डा हुशियारपुर चौंक द्वारा, जो कि हर साल
गरीब लड़कियां दे ब्याह कराए जाते हैं और 13 साल हो गए ने जो कि ये गरीब लड़कियां दे ब्याह कराते हैं। और मैं आज मीडिया दे माध्यम द्वारा ये चीज़ कहनी चाहुंदा आ, कहना बड़ा सौखा हुंदा, करना बड़ा सौखा हुंदा आ। जो साडे आदरणीय प्रधान जी ने और जो इन्हों की सारी टीम है, मैनू इन्ने साल हो गए देखदिआं नूं कंधे नाल कंधा ला के, उहो ही सारी टीम है सलाह साहब ने, साडे सारे फादर समान ने। और जो इस नमाणे नूं जो भी गरीब बच्चों के ब्याह दे लई लाउंगे, असीं जदों पिछले साल भी कह के आए सीगे ते इह जिहड़ा दान हैगा आ कन्यादान तो वध के कोई दान नहीं हैगा, ते असीं जो ये सारी मतलब कहने का दूजा की वेलफेयर सोसाइटी आ इन्हां दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के चलते भी हाँ, तो चला दुर्गा भीर जी अब सू मंत्र पत्र देने आए प्रधान जी सरदार मत्तन सिंह जी, अभी उन्होंने बहुत धन्यवाद करते हैं। ये बड़ा अच्छा कार्य करते हैं शहर के और हर धार्मिक फंक्शन से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अभी जलंधर शहर वासियों को अपील करते हैं अगर शहर फाटक के नजदीक दुर्गा भीर के पहुँचने की कोशिश कर और बाबा जी का आशीर्वाद लैन। अज गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी जिहड़ा कि अड्डा हुशियारपुर चौक फाटकां दे नाल स्थित है, अज सारे जिहड़े महानुभाव है सेवादार है इनविटेशन देन आए है मां बगला मुखी धाम नूं, मैं सहर्ष स्वीकार करदा और इन्हां नूं नाल ए बिल्कुल बांह दे नाल बांह जोड़ के साडे सारे सेवादार उत्थे पुज्जणगे और नाल सेवा करनगे। जिकारा बगला मुखी माता जी दा होर साचे दरबार जी। असीं अगे 12 सालां च 112 कुड़ियां ने ब्याह करा चुके हैं, उहदे विच सारे भैन भरावां ने सहयोग ना करीदा, जे कहीए असी करन जोगे कल्ले असी नहीं करदे, तुहाडे भैन भरावां ने सहयोग ना हुंदा है। 6 तरीक नूं असी मेहंदी दी रस्म रखी हुई है, 7 दी जग होए, 8 जी दा गुग्गा पीर है ते 9 दे तरीक दे ब्याह होए। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਯੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਯੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 13ਵਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੇੜਾ ਜੀ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰੋਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 13ਵਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਫਿਲਮੋਂ ਮੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਕਾਰੋਂ ਕੀ ਬੇਕਦਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋ ਮੁਖਯ ਰੱਖਤੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕੰਕਾਰੋਂ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਓਂ ਕੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਨੇ ਸੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਚਾਹਤਾ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਵੇ ਬੋਰਡ ਮੇ ਹਰ ਧਰਮ ਕੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇ ਹੋ ਤੋ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਟ ਦਿਆ ਜਾਏ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो पहल के आधार पर उस पर सख्त नोटिस लेते हुए पुलिस के पास शिकायत कर पर्चा दर्ज करवाया जाए।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो जी पिछले दिनों दे विच असी देख रहे हैं कि एक नवा ट्रेंड चल पाया कि फिल्मों नू प्रमोशन करन वास्ते एक विवाद पैदा किया जाए। सानू इस गल नाल कोई संबंध नहीं कि फिल्मों नू किवें प्रमोट करना नहीं करना चलाउणी नहीं चलाउणी लोकां किवें जाणियां, पर असी किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करते कि किसी भी धार्मिक भावना दे नाल खिलवाड़ करके फिल्म का प्रमोशन किया जाए। मैं अज जिहड़ी असी गल कर रहे हैं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी साहब ने जिहड़ा उन्हां दे खिलाफ़ कार्रवाई करन दा ऐलान किया होया उस दे उन्हां दे खिलाफ़ असी डटवीं कार्रवाई कर रहे हैं। अज असी इह गल कह रहे हैं कि कोई भी धर्म दे बारे दे विच मजाक करके उन्हां दा खिलवाड़ करके ते फिल्म की प्रमोशन करना ये देश वास्ते बड़ी वड्डी चुनौती है। भावें कि ये लोग जिहड़े आ जिन्हां दा जिन्हां ने फिल्म बनाई आ उन्हां दा मसला है ही आ टी सीरीज़ आ जां कोई होर आ उन्हां नूं असी नोटिस दे उन्हां नूं दे ही चुके हैं, पर असी इहदे विच ये गल क्लीयर कर देना चाहुंदे हां कि जिथे ये दोषी ने उत्थे सरकारां दा वड्डा दोष है। इस गल च बड़ी देर तो लै के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी आ उह इस गल लई चेतन भी करा रही आ कि जिहड़ा सेंसर बोर्ड आ उह सेंसर बोर्ड दे विच इक सिख नुमाइंदा होना चाहिए। फिर कहने आ कि ये कला सिख नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, इत्थे हिंदू धर्म का भी होना चाहिए, जिन्ने धर्म ने बड़े सत्कारक धर्म ने उन्होंने नुमाइंदे होने चाहिए आ। सावन माह के संपूर्ण होने पर श्री रामा मंदिर मोहल्ला नंबर 17 जालंधर छावनी में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर की महिला संकीर्तन मंडलियों की ओर से संकीर्तन कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया गया। इस दौरान मंदिर कमेटी के प्रधान कमल चौहान ने अपने साथियों सहित ये लंगर भक्तों में वितरित किया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा राजू ने आरती कर भंडारे की शुरुआत की। इस अवसर पर सुनील कुमार, नयन शर्मा, लक्ष्य, प्रभुदयाल, उषा रानी, आशा रानी सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। श्रावण का पावन महीना चल रहा है और श्रावण महीना के पावन उपलक्ष्य में अधिक श्रावण मास मनाया गया है और अधिक श्रावण मास में पुण्यों की भी संख्या अधिक होती है। जितना जितना जीव शुभ कार्य करता है, भजन कीर्तन करता है, उसका अधिक फल प्राप्त होता है। तो ये पुरुषोत्तम मास, श्रावण पुरुषोत्तम मास अधिक पुण्य प्रदान करने वाला महीना है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई। सनातन धर्म रामा मंदिर जलंधर कैंट अध्यक्ष कमल चौहान सावन महीने जो प्लस दे विच दो महीने अधिक मास दो महीने के लिए कीर्तन किए जाते हैं। हर सोमवार कीर्तन किया जाता है जिसमें संगत दूर दूर से संगत आती है और भजन कीर्तन गाए जाते हैं। इसके लिए रामा मंदिर में रौनक मेले लगे हुए हैं और इसके बाद आज पंडाला होगा। आज भोलेनाथ का सावन के महीने का भंडारा किया जा रहा है। सावन महीने के उपलक्ष में मंदिर में कीर्तन वगैरह सब हो रहे हैं और सभी को सावन महीने की बहुत बहुत बधाई और लंगर भी होगा, सब कुछ होगा, सबको बहुत बहुत बधाई। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के बाबा बकाला में तस्करों और एसटीएफ के बीच हुई फायरिंग, गोली लगने से तस्कर हुआ घायल। बरनाला में आजाद स्पोर्ट्स क्लब ने एनआरआई भाइयों के सहयोग से 500 क्विंटल चारे की 14 ट्रालियां बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेज। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।